हेलो एवरीवन, मैं हूं अतिन रंधावा और आज मैं चलाने वाला हूं ये रेनो की क्विड। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आती है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कैसी है चलने में, मेरे को कैसी लगी। मैं इससे पहले टाटा टियागो चलाता था, उसके बाद जस्ट अभी मैंने 15-20 दिन पहले फोर्ड की फिगो ली है डीजल में, TDCi 1.5 लीटर, उसको चला के तो बहुत मज़ा आता है। उसका भी रिव्यू जल्दी चैनल पर आने वाला है। तो आज मैं पहली बार एक ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने वाला हूँ, कैसी लगती है वो मैं आपको बताऊँगा। तो अंदर बैठते हैं गाड़ी के और चलाते हैं इस गाड़ी को। तो जैसा कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर दिया गया है। इंटीरियर देखने में काफ़ी अच्छा है छोटी गाड़ी के हिसाब से। सीट्स वगैरह जो है उसमें साइज़ में थोड़ी छोटी हैं सीट्स, आप देख सकते हो मेरी हाइट कुछ ज़्यादा नहीं है, 5'4" हूँ, तब भी जो है सीट मेरे लिए ये ऐसे लग रहा सफिशिएंट है। जो ज़्यादा बल्कि आदमी होगा वो उस पर, उसको शायद ये सीट ज़्यादा कंफर्टेबल ना फील हो। जो बोलस्ट्रिंग वगैरह साइड पे वो भी काफ़ी कम है, तो अगर आप मीडियम साइज़ के हो तो आपको शायद ये सूट कर जाएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही लंबे चौड़े हो तो शायद आपको ये गाड़ी पसंद ना आए। तो यहाँ पे भी आप देखोगे यहाँ पे आपको गियर सेलेक्टर मिल जाता है, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही पेडल मिलेंगे, रेस एंड ब्रेक का। तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और चलते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले तो न्यूट्रल में रखना पड़ेगा, ब्रेक दबानी पड़ेगी नीचे और करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो न्यूट्रल में है और स्टार्ट करने लगा मैं गाड़ी, आवाज़ सुन लेना, तो कुछ इतनी आवाज़ आती है गाड़ी की। अभी शीशे खुले हैं, अगर शीशे बंद होंगे तो आवाज़ इससे भी कम आएगी। थोड़ी सी वाइब्रेशन है ब्रेक पैडल के ऊपर और सीट्स में, लेकिन 3-सिलेंडर इंजन है तो इतना तो होगा ही। अभी चलाते हैं गाड़ी को, अब आपको बताता हूँ कैसी है चलने में। तो पहले तो अब गाड़ी स्टार्ट कर ली गई है, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं ब्रेक के ऊपर पैर रखा हुआ है। तो अभी मैं पहले दिखाता हूँ ब्रेक के ऊपर पैर रखा हुआ है, ड्राइव पे मैंने कर दिया, हैंड ब्रेक नीचे कर दिया, सीट बेल्ट मैं डाल लेता हूँ और इसके बाद चलाते हैं इस गाड़ी को। कैसी है चलने में आपको बताता हूँ, पहाड़ों में हूँ मैं तो उस हिसाब से आपको रिव्यू दूंगा, प्लेन्स का रिव्यू नहीं दे पाऊँगा। मैंने ब्रेक छोड़ दिया, ब्रेक छोड़ने पर गाड़ी खुद ब खुद चलने की ट्राई कर रही है, मतलब इसमें पत्थर आ गया थोड़ा सा, थोड़ी पीछे लेनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने रिवर्स डाला आप देख सकते हो कैमरा खुल गया, लेकिन थोड़ी डिले होके खुला, एकदम से नहीं खुला। अभी ड्राइव में डाल देते हैं, ड्राइव में डालने के बाद भी कैमरा थोड़ी देर बाद गया। तो अभी मैं ब्रेक जैसे ही छोड़ता हूँ, ये आप देखना गाड़ी चल रही है, खुद ब खुद चल रही है, मतलब ट्रैफिक में आपको अगर रेड लाइट पे खड़े हो तो सिर्फ रेस छोड़नी है, ब्रेक छोड़नी है, गाड़ी चलना शुरू कर देगी। अब रेस देते हैं, तो इतनी इंजन नॉइस भी है थोड़ी गाड़ी में और आपको सामने का दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं लाइट फुट पे चला रहा हूँ गाड़ी, तो काफ़ी स्मूथली है, मतलब बड़े ही आराम से चल रही है गाड़ी। हॉर्न देख लेते हैं, कुछ छोटी गाड़ी के हिसाब से ठीक है हॉर्न, बहुत भारी भरकम नहीं है लेकिन ठीक है। और स्टेयरिंग भी जो है लाइट है, सेल्फ सेंटरिंग नहीं है पूरी तरह से, जिस साइड को मोड़ रहे हैं थोड़ा उस साइड को रह जा रहा है, सेंटर को उतने अच्छे से आ नहीं रहा। और काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब टेंशन नहीं है चढ़ाई पे भी कि गियर चेंज करना है, वो चीज़ अच्छी लग रही है। पहली बार ये चीज़ चला रहा हूँ गाड़ी ऑटोमेटिक, तो लेकिन यहाँ पे अभी मेरे को फील हुआ जब गाड़ी ने गियर चेंज किया चढ़ाई के टाइम पे, तो एक हल्का सा लैग महसूस हुआ, मतलब टाइम लिया गाड़ी ने गियर चेंज करने में, फिर से वो टाइम लिया, ये फिर से लिया एक बार, ये देखिए। अगर आपको भी महसूस हुआ होगा शायद से ये झटका, मैं रेस को ज़्यादा दबा नहीं रहा हूँ, मैंने रेस एक ही जगह पर रखी हुई है, लेकिन आपको पता लग रहा होगा कि जब कब गियर चेंज हो रहे हैं, तो कुछ 1-1.5 सेकेंड का टाइम लेती है गाड़ी गियर चेंज करने के लिए। और 2000 RPM के आसपास चल रही है गाड़ी इस टाइम, अगर मोशन में होगी तो मेरे हिसाब से बड़े इजीली चढ़ जाएगी। अब गियर जो इसने काफ़ी टॉल कर दिया, पता नहीं कौन सा गियर है, अब गाड़ी ने एक गियर डाउन किया, एक और गियर डाउन किया, तो काफ़ी फील हुआ। अब थोड़ा तेज़ चला के देखते हैं, 4000 RPM के पास जाके गियर चेंज हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी थोड़ा सा टाइम ले रही है गियर चेंज करने में, बाकी उसके अलावा ठीक लग रही है मेरे को,
छोटी गाड़ी के हिसाब से यहाँ पे हम मोड़ लेंगे गाड़ी को। अब जैसे कि मेरे को मैनुअल चलाने की आदत है, मेरा हाथ इधर की तरफ को गया, जैसे कि मैनुअल गाड़ी मैंने गियर चेंज करना हो। ठीक है, एक टांग जो है आपकी बिल्कुल फ्री रहती है, उस चीज़ के तो मज़े हैं। अब ये देखिए कुछ ऐसी क्वालिटी है इसमें रिवर्स कैमरे की, ठीक ठाक है। अब देखते हैं डाउन हिल में कैसा परफॉर्म करती है। अप हिल में तो थोड़ा सा गियर चेंज करते टाइम मतलब फील दे रही थी कि गियर चेंज हो रहे हैं, और मेरे हिसाब से दूसरे गियर में इसने चढ़ाया इस चढ़ाई पे। पहले चौथे गियर में पहुंच गई थी, पहले इसने थर्ड गियर डाला फिर सेकंड गियर डाला। अब मैंने उतराई पे रेस छोड़ी हुई है, गाड़ी खुद स्लो कर रही है खुद को कि गाड़ी एकदम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। नहीं तो होता है ना कि हम गियर में डाल देते हैं थर्ड या फोर्थ गियर में जितनी ज़रूरत होती है, कि हमारे को इससे ज़्यादा फास्ट गाड़ी नहीं चाहिए उतराई में। तो अभी देखते हैं यहाँ पे ये स्लो करती है कि नहीं। ट्राई तो किया गाड़ी ने, गियर इसने गियर से पकड़ने की, कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर भागने ना लग पड़े। अगर मैं रेस देता हूँ तो गियर जो है वो अपशिफ्ट कर जाती है, नेक्स्ट गियर डल जाता है। अगर मैं कुछ भी रेस वगैरह नहीं देता तो ये छोटा गियर कर देती है ताकि गाड़ी स्लो हो जाए, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होके ना चले उतराई में। तो ये चीज़ अच्छी लगी पहाड़ों में, ये चीज़ का मतलब जैसे ही उतराई आती है तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ फिफ्थ गियर लग जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल होके स्पीड 60-70 पहुँच जाती है, ऐसा नहीं है। गाड़ी जो अपनी स्पीड 30 के आसपास रखने की ट्राई करती है, जितनी ज़्यादा उतराई होगी उतनी वो कंट्रोल करेगी स्पीड को करने का। मैंने रेस छोड़ दिया तो ये देखिए गियर छोटा हो गया, RPM बढ़ गया और गाड़ी ट्राई कर रही कि गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। अब मैं रेस पे पैर रखता हूँ तो वैसे गियर नेक्स्ट पड़ जाएगा, ये देखिए नेक्स्ट गियर पड़ गया जैसे मैंने रेस दी। तो अच्छी है गाड़ी चलाने में, छोटी गाड़ी के हिसाब से उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर हो या फिर आप सिटी में ड्राइव करते हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है तो ये गाड़ी अच्छी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बाकी AC वगैरह इस गाड़ी का टेस्ट नहीं किया क्योंकि पहाड़ों पे हूँ और ठंडी हवा चल रही है बाहर, शीशे खुले छोड़े हैं, तो AC चला के कैसी परफॉर्म करती है ये भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे खड़ी कर लेते हैं गाड़ी को और शीशे कर देते हैं, शीशे रहन देते हैं खुले लेकिन AC एक बार कर लेते हैं ऑन। AC कर लिया मैंने ऑन, अब देखते हैं इसकी पिकअप में कितना फ़र्क पड़ता है। AC की हवा जो है वो तो ठंडी आनी शुरू हो गई है जल्दी से ही, लेकिन AC से थोड़ी गाड़ी और दब रही है। अभी मैं उतराई में हूँ पर फिर भी थोड़ा महसूस ज़रूर हो रहा है कि AC के बाद जो गाड़ी है वो थोड़ा एफर्ट लगा रही है ज़्यादा। अब ये देखिए ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे गाड़ी चढ़ने के लिए क्योंकि थोड़ा सा चढ़ाई सी थी, जो कट है गाड़ी का वो भी काफ़ी छोटा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े एरिया में मुड़ती हो गाड़ी, छोटे से एरिया में मुड़ जा रही है। जितने एरिया में मैं नैनो मोड़ लेता हूँ उतने एरिया में ये क्विड मोड़ ली गई है। और अभी इसको यहाँ पे पार्क कर देते हैं। बाकी ये था मेरा रिव्यू, जो मैंने फील किया वो मैंने आपको बता दिया। कैसी लगी आपको ये वीडियो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।